In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. आज की हमारी रेसिपी है चिकन मंचूरियन विथ फ्राइड राइस. चलते हैं रेसिपी की तरफ. चिकन मंचूरियन के लिए सबसे पहले हम चिकन ले लेते हैं. उसे मैरिनेट करना है हमने. ये मैंने चिकन लिया, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया. एक से डेढ़ चम्मच इसमें मैं मैदा ऐड कर दूंगी. दो चम्मच सिक्के के, एक बड़ा चम्मच भर के सोया सॉस, और ये लहसुन का पाउडर. अगर हो तो डाल दें, अदरवाइज आप दूसरा लहसुन भी कश करके इसमें डाल सकते हैं. एक चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, एक चम्मच नमक का. अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं. इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और फिर फ्राइड राइस की तरफ चलते हैं. फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन हो और फ्राइड राइस ना हो, ये कैसे हो सकता है. चलें जी, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से. अब इसे रख देते हैं मैरिनेशन के लिए. अब बना लेते हैं फ्राइड राइस. ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने बड़ी इलायची डाल ली है. अब ये एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके, क्विक चॉप करके मैं इसमें शामिल कर दिया है. एक कप इसमें मैं बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए थे, वो शामिल कर देती हूँ. और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता. ये देखिए हमारा चिकन अब कलर चेंज हो गया है, वाइट वाइट सा आपको नज़र आ रहा होगा. अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल कर देती हूँ, एक से डेढ़ चम्मच. अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. अब ये गाजर है मीडियम साइज, एक मैंने मीडियम साइज की गाजर से चॉप कर लिया था. बड़ी इसी टाइम हम डाल देंगे ताकि थोड़ी हार्ड होती है, तो ये चिकन के साथ ही हो जाएगी. सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ. ये 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया. ये देखें आप, गाजर भी हमारी गल चुकी है. अब मैं बाकी चीज़ें डाल रही हूँ. इसमें मैंने एक छोटा कप मटर का, भी चॉप की हुई बंद गोभी 1 कप शामिल कर देते हैं. अब स्पाइसी डाल, 1 चम्मच नमक जितना आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं. पिसी हुई काली मिर्च 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया. आप तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे. हरी मिर्च 2 से 3, सिरका 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, और ये चिली सॉस 2 चम्मच. अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि हमारी बाकी की सब्जियां भी अच्छी तरीके से हो जाएं. ये देखें अब माशाल्लाह से मसाला हमारा बन के रेडी हो गया फ्राइड राइस का. ये मैंने चावल पहले से बॉईल कर लिए थे, इसमें शामिल कर रही हूँ. इस टाइम आप फ्लेम बिल्कुल लो कर लें. चलें जी, अब इसमें डाल के इसे हल्के हाथों के साथ फ्राई कर लें.
चूंकि हमने ये चावल चिकन मैचूरियन के साथ सर्व करने हैं, इंजॉय करने हैं, तो ये हमने थोड़ा लाइट वेट वाले बनाए हैं फ्राइड राइस, जो प्रॉपर एक एग फ्राइड राइस होते हैं। उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर करूंगी आपके साथ। चलिए, हमें सब मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं चिकन मंचूरियन की तरफ। अच्छा, ये मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन लिया है, उसमें हसबे ज़रूरत ऑयल डाल लिया है। ऑयल के गर्म होने पर एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसे ऑयल में रखते जाएंगे। ऑयल चूँकि हमारा गर्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने अब फ्लेम लो कर दी है। इससे ये होगा कि हमारा चिकन ऊपर से, तो वो तेज़ आंच पे ये होता है कि चिकन ऊपर से तो हो जाएगा मगर अंदर से बिल्कुल डन नहीं होगा। लो फ्लेम पे कलर भी बहुत औसम सा आ जाएगा और चिकन भी अच्छे से अंदर से गल जाएगा। चलें, हम इसे फ्राई कर रहे हैं। एक साइड अब हमारी हो चुकी है, अब हम साइड पलट देंगे। लेकिन इतना अच्छा सा कलर आ गया है, मैं साइड पलट रही हूँ, फ्लेम लो ही है। अब दूसरी साइड को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अब हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, गल भी चुका है और कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है। हम इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालिए, अब हम चिकन मंचूरियन की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। पतीली में हसबे ज़रूरत ऑयल डाल लें, ये लहसुन 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसे फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन सा कर लेंगे, जलाना नहीं है इसे, लाइट ब्राउन सा करना है। मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था, कट कर लिया, इसको इस तरह के पीस बना लिए। ये मीडियम साइज की शिमला मिर्च डाल दी है, बीच वाला जो हिस्सा है वो मैंने निकाल दिया था। ये देखें, ये इसी तरह की आप कोशिश करें, शेप कट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है चिकन मंचूरियन में, रेस्टोरेंट स्टाइल में फील होता है जैसे हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही स्पाइसेस में डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक, दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें सोया सॉस 2 चम्मच और सॉरी चिली सॉस है ये 2 चम्मच हमने ऐड कर दी। 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का, 3 केचप है, केचप के 3 बड़े चम्मच मैंने भर के वो शामिल कर रही हूँ। अच्छे से हम इस प्लेट को साफ कर लेते हैं। ये मैंने डाल दिया, अब इसको इस टाइम फ्लेम बिल्कुल लो है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऐसे पकाएंगे। इसमें अभी ब्लैक, ये देखें, अब जब ये थोड़ा पकने लग जाए तो इसमें आधा ग्लास पानी का ऐड कर दिया है।
जब तक पानी का उबाल आता है, ये मैंने 2 कॉर्नफ्लावर की चम्मच ली है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी करके जब इसमें शामिल करेंगे, साथ के साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि गुठलियां ना बने, स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए हमारा। ये देखें उबाल आ गया, ये चिकन जो फ्राई किया था हमने वो इसमें डाल देते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और साथ के साथ चम्मच हिला देंगे। ये देखें कॉर्नफ्लावर डालते ही ये कैसे गाढ़ा सा बन गया है हमारा, ग्रेवी गाढ़ी सी हो गई है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, जितना गाढ़ा आप पसंद करते हैं उतना आप इसे पका लें। एक चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का मैंने डाल दिया है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी अच्छी बन गई है। ये चलें जी, हमारी चिकन मंचूरियन की खुशबू माओ को भी पहुंच गई और माओ भी आ गई है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी अमानिल्ला।